हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभ यात्रा। आज मैं अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स सी होप कहाँ जाते हैं आज। वो एक सरप्राइज है और मैं आप लोगों को पहुँचने के बाद बताऊँगा। विल मीट यू, सी यू देयर। थैंक्स। तो आज मैं आया हूँ टेलो बेलनगर हिल पार्क। यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, दैट इज़ कॉल्ड हैंडरसन वेव्स ब्रिज एंड उसका शेप जो है शेल के तरीके है। तो चलिए मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट टुडे आई हैव चूज दिस। मुझे हमेशा नेचर में आना काफ़ी अच्छा लगता है और अगर कोई भी हिस्टोरिकल पाथ है, नेचर है, उसके रिलेटेड तो मैं हमेशा आता हूँ। एंड आई एम ऑन द वे टू रीच हैंडरसन वेव्स ब्रिज। तो इस समय मैं हूँ हैंडरसन ब्रिज पे और आप देख सकते हो सामने कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। सामने सी है और उसके बाद ये लस ग्रीन बेल्ट आप देख सकते हो इस ब्रिज के दोनों तरफ। और यहाँ पे जनरली पब्लिक वीकेंड्स में छुट्टियाँ मनाने आते हैं और हैंग आउट करते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं इस समय ब्रिज पे खड़ा हूँ और काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। सीम्स वेदर इज टू हॉट नाउ। और आज सिंगापुर में नेशनल डे भी है, इसलिए आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। जो भी फैमिलीज हैं वो बाहर आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिलीज के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। और ये नीचे का ना आप देख सकते हो, नीचे ये सीधे रोड जा रही है सामने की तरफ। मोस्टली ये ब्रिज जो बनाया गया था वो 2008 में बनाया गया था और ये अराउंड 2 किलोमीटर का ट्रेल है। इस ब्रिज को हैंडरसन वेव्स ब्रिज बोला जाता है बिकॉज इट्स आर्किटेक्चर वाइज इट्स शेप इज वेव्स लाइक। गोइंग टूवर्ड्स माउंट फेवर पार्क। जस्ट मैंने हैंडरसन ब्रिज कम्प्लीट किया है और अभी मैं माउंट फेवर पार्क की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा टाइम है जब मैं इधर विजिट कर रहा हूँ। मैं पहले भी आ चुका हूँ
माउंट फेवर पार्क में, और काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है जब आप ऊपर की तरफ जाते हो। और इवन आप इस पूरे रास्ते पे अगर वॉक भी करते हो, आप चारों तरफ मेरे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी ग्रीनरीज है। और ये आपको कंटिन्यूसली हाइट पे चढ़ना पड़ेगा, काफ़ी हाइट है ये, तो हाइट पे जाना पड़ेगा आपको। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब कभी भी आप आओ ग्रीन एरिया में आओ जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, काफ़ी सारे प्लांट हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा नेचर में आकर के। और यही हम लोगों को सीखना भी चाहिए कि नेचर में कैसे रहना है, उनको सेव कैसे करना है, प्लांटेशंस करो ज़्यादा से ज़्यादा। गाइज ये व्यूज़ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं जब आप थोड़े टॉप पे आ जाते हो। ये व्यूज़ आपको मिल सकते हैं जब आप हैंडरसन ब्रिज से टुवर्ड्स माउंट फेवर पार्क की तरफ आओगे, तो आपको ये व्यूज़ मिलेंगे। यहाँ से ये काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है, स्पेशली जब ये दोनों तरफ ग्रीन प्लांट्स के बीच से जब हम बिल्डिंग्स को देखते हैं। और आप सामने देखोगे तो उधर पोर्ट्स भी हैं और देन सी आ जाता है, तो आप देखोगे तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट वाटर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट लुक्स रियली नाइस, अ मेस्मराइजिंग मोमेंट। यहाँ पे शाम को आप जॉगिंग के लिए आ सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा जब आप नीचे से ऊपर की तरफ टॉप एरिया की तरफ जाओगे तो ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, जिससे आप अपना वेट भी रिड्यूस बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसा कि मैं बोल रहा था, आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अगर आप देखोगे, और मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा नाइस व्यू है। जस्ट यहाँ पर बैठ के आप रिलैक्स होकर के नेचर को देख सकते हो, प्रकृति का आनंद ले सकते हो, चारों तरफ ग्रीन लैविश ग्रीन बेल्ट, अ लैविश ग्रीन बेल्ट सराउंडिंग यू, एंड यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स। So now I'm thinking to go this cable car. So let's go to this cable car. And from here I will go towards Sentosa. Hey guys, यहाँ पे आप टिकट ले सकते हो। So adult के लिए $35 है and child के लिए $25 है। ये टिकट प्राइस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ओनली केबल कार के लिए जो टिकट प्राइस है वो $35 है फॉर एडल्ट एंड फॉर चाइल्ड $25। अगर आप उसके साथ सेंटोसा में सम एक्स्ट्रा एडवांटेज जैसे बस टूर या कोई और चीज़ आप घूमना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एडिशनल $25 देने पड़ेंगे। एंड देन देयर इज़ डिफरेंट राइड्स, तो अगर आप सारे पैकेज एक साथ लेते हो तो फिर एडल्ट के लिए $150 है और चाइल्ड के लिए $95। हे गाइस, सो फाइनली मैंने टिकट ले लिया है, नाउ गोइंग टू इन केबल कार, सो लेट्स गो। ओके, सो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। केबल कार लेने के लिए आपको यहाँ से अप स्टेयर जाना पड़ेगा, और ये मैंने टिकट ले लिया है फाइनली।
गाइज यहाँ से भी काफी खूबसूरत नजारा आप देख सकते हो। मैं केबल कार लेने के लिए मैं ऊपर आ गया हूँ और ये काफी सारे बेल यहाँ पर हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं, बट किस रीजन से बांधा गया दैट आई डोंट नो। ओके गाइज, तो मैं केबल कार में बैठ गया हूँ अभी इस समय एंड नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द सेंटोसा। चले जाओ। How are you feeling today, Suresh? Wish you many, many happy returns of the day. Happy birthday. Hey guys, so जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो बीच में एक हार्बर फ्रंट स्टेशन आता है, सो इफ यू वांट टू गेट डाउन हियर यू कैन गेट इट डाउन, और एल्स अगर आपने सेंटोशा के लिए टिकट लिया है तो आप बैठे रहो और फिर इट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटोशा और ये फिर सेंटोशा की तरफ जाएगी। और नीचे वाटर का कलर लाइट ग्रीन है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सामने जो आप देख रहे हो ये सेंटोशा है, सेंटोसा आइलैंड, जहाँ यूजुअली आप देखते हो यूनिवर्सल स्टूडियोज, पिरामिड एंड लॉट ऑफ अट्रैक्शन आते हैं। सो अभी हम लोग सेंटोसा की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली जब आप ये केबल कार से जाओगे देन इट्स गेटिंग अप एंड डाउन, तो ये आपको फील होगा थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है ये केबल कार, तो वो आपको एक अलग एहसास दिलाएगा। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it.
been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really. हम लोग सिंस ये जो केबल का टिकट है ये आज के लिए पूरा फ्री है. देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स अनदर जर्नी. लेट्स गो. ओके सो आई नीड टू गो टॉप बाय एस्केलेटर. सेंटोसा भी काफ़ी अच्छी जगह है और घूमने के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन इन सिंगापुर. काफ़ी अच्छी जगह है ये. सिंगापुर में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अट्रैक्शन एरिया है जहां हम सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं. तो कभी भी आप आओ तो सेंटोसा ज़रूर आओ बिकॉज यहां पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, एक्टिविटी और घूम सकते हो. यार सच में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो मैं ये जा रहा हूँ अभी. एक मैंने केबल कार लिया था माउंट फेवर पिक से सेंटोसा के लिए और ये दूसरा है जस्ट बिहाइंड मी. तो अभी मैं देखता हूँ ये कहाँ तक छोड़ती है. दैट आई डोंट नो बट लेट्स सी ये कहाँ तक लेके जाती है. आज मेरी ये जो टिकट है ये पूरे दिन के लिए वैलिड है. Thank you. तो ये सेकंड जर्नी स्टार्ट हो गई है केबल कार की और ये देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है. जो ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये वाली रूट पे. Let's see. तो वो सामने जो केबल लाइन दिख रही है मैंने वहां से स्टार्ट किया था और आई वेंट ऑल द वे टिल सेंटोसा. और ये दूसरी लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है दूसरी लाइन. ये जो लाइन है ये मुझे 120 तक लेके जाएगी. और ये नीचे पूरा फॉरेस्ट एरिया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है. और ये सिलेसो बीच आप देख सकते हो सामने. और आज नेशनल डे सेलिब्रेशन है तो वो सामने भी आप देख सकते हो. दैट इज इट इज अ फ्लैग एक्चुअली. और ओके सो ये सारे फ्लैग हैं. सिंस आज नेशनल डे सेलिब्रेशन था सिंगापुर में इसलिए एक्चुअली ये कुछ लिखा गया है. ऊपर से मैंने सब सिंगापुर देखा था नेशनल सिंगापुर और ये पार्ट कुछ और लिखा गया है. दैट आई डोंट नो.
फाइनली मैं इस समय सेंटोसा में सिलोसो बीच पर हूँ और एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी जस्ट इस वाले केबल कार से आया था और मैं आकर के यहाँ रुका था, ये केबल कार स्टेशन है और उसके बाद मैं वहाँ से एग्जिट करके यहाँ आ गया। तो ये आप व्यू देख सकते हो सेंटोसा का, काफ़ी अच्छा है। और लास्ट टाइम मैं जब मैं सेंटोसा आया था तो मैं उस तरफ गया था, एग्जैक्टली उस सामने जो आपको दिख रहा है उस तरफ मैं गया था, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अभी आप लोगों को मैं उधर लेके जाऊँ। आज छुट्टी का दिन है, आज नेशनल डे सेलिब्रेशन है सिंगापुर में, सो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स, किड्स, ऑल द फैमिली मेम्बर्स दे केम आउट। गाइज ये जिप लाइन है जो मैं अभी बात कर रहा था, तो ये जिप लाइन आप ट्राई कर सकते हो और वो एंड है उसका उस आइलैंड पे, तो वहाँ तक आप जा सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी थ्रिलिंग है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो इसे। और ये किड्स यहाँ पे बंजी जंप करते हुए, ये वो बंजी जंप का पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा था अभी। तो ये प्लेटफॉर्म पे आप ऊपर जाओगे एंड देन आप बंजी जंप का लुत्फ उठा सकते हो। यहाँ से आप एंट्रेंस है बंजी जंप के लिए और ये आप टिकट ले सकते हो यहाँ पे,